तुम जानते हो मुझे? जानता हूँ। मासूमों को मारने वाला, शहरों को तबाह करने वाला अलंचक। तो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? हमारा दीन कहता है, कुफार और जालिमों के सामने सख्ती के साथ पेश आओ। जिसके दिल में ईमान की ताकत है, वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। हम उनकी इज्जत करते हैं जिनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर है, और जिस शख्स के दिल में ईमान नहीं है उसे बाल बराबर भी अहमियत नहीं देते। मुझे नजरअंदाज किया तुमने, जबकि तुम मेरे नाम, कुव्वत और शौहरत से वाकिफ थे। क्या मेरे अज़ाब का कोई खौफ नहीं तुम्हें? मेरा यकीन है कि अल्लाह की जात ही सबसे अजीम और शान है, और उसके रसूल से बढ़कर किसी का मकाम नहीं है। अजाब का जहां तक ताल्लुक है, हमें सिर्फ तमाम आलमीन के रब अल्लाह के अजाब से डर लगता है। देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे, जो मेरी शहरत से भी ज्यादा नजदीक है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। ये दुनिया तुम्हारे लिए सब कुछ है, मगर हमारे लिए आखरत के तवील सफर में चंद लम्हों की आराम का है। जिस तरह तुम्हें दुनिया के मालो दौलत की चाहत है, हमें शहादत की चाहत है। तुम अपने लश्कर पर भरोसा करते हो, उजाड़ सकते हो आबादियां और खेमे, हमारे सर कट तो सकते हैं, मगर अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकते, क्योंकि वही तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह जो ना होने देना चाहे वो कोई नहीं कर सकता। तुम जब जुल्म करते हो मजलूमों पर नहीं करते, बल्कि अल-क़हार अल्लाह ताला से जंग शुरू करते हो। तुम इस जंग का मकसद तक नहीं जानते, तुम्हारी जंग किसके खिलाफ है ये भी नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिर्फ मुसलमानों से जंग करके दरवाजे खोल रहे हो अपने लिए जहन्नुम के।